कहते ने आला हजरत कहते हुए मुझे तकलीफ होती है। मैं क्या पुत्र तेन होनी है, अजे तो तकलीफ है ना, अगले साल हार्ट अटैक भी होना ही, अपना इलाज करा। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह नूं मनना ये गैरतमंदा दा काम है, ते जिन्हां दा भांडा ही खाली उन्हां बेचारे नूं क्या पता अहमद रजा क्या है। इमाम अहमद रजा वह हस्ती है। मैंने एक सैयद जादे ने भी सैयद साहब बैठे ने, मैंने एक सैयद जादे ने आख्या समर साहब लोगों को दसिया कर भी अपने दिल च इमाम अहमद रजा की मुहब्बत पैदा करो। तो मैं क्या शाह जी वजह सबब इन्हों क्या फवायद दसा। फरमाया जी अहमद रजा जिस दिल च आ जाए ना उस दिल च ना सहाबा की गुस्ताखी बढ़न देता है, ना अहले बैत की गुस्ताखी बढ़न देता है, और ना वलिया की दुश्मनी बढ़न देता है। यह रसूलुल्लाह का वह सिपाही है जिहड़ा तुहानू पकड़ के अदब और मुहब्बत वाले रास्ते ते चला दिंदा है। इस वास्ते इमाम अहले सुन्नत उन्हां दे नाल कामिल मुहब्बत साडी होनी चाहिए। अजीजा ने गिरामी कदर जिहड़ी मैं बात की थी, ये बात समझ चुके हो, अगर ये समझ चुके तो असी पैगाम ले लिया है, हुण सिर्फ मकसद दीयां बातां चांदे कोर करनियां। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया वल असर, फरमाया कसम है सानू जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान खसारे दे विच है। अजीजो इतनी बात करने तो बाद मेरे रब ने फरमाया क्या सारे इंसान खसारे च, फरमा इल्लज़ीना आमनू, जेड़ा बंदा ईमान ले आवे ओ खसारे वाली लकीर तो निकल जाता है, ओ खसारे च नहीं ओ घाटे च नहीं, क्यों ईमान आला हो गया। लेकिन अजे दराजात और भी हैं, वो क्या है, फरमा वह आमिल सालिहात, अगर ईमान ले आंदा तो मुड़ नेक अमाल भी करे होर अच्छे पासे चला जाएगा। नेक जेड़ा ईमान ले आवे वह भी खसारे च नहीं, और जेड़ा नेक अमाल करे समझ लो दो फुल लग गए, नहीं तवज्जो फरमा रहे ना, प्रमोशन हो गई है ना, दो फुल समझ आ रही है। इहदा मतलब यह निकलिया कि ईमान दे नाल अमल भी जरूरी है। बसा औकात साढ़े स्टेजा तो ऐसी गैर संजीदा आवाज जाती है जेडे पता की आते हैं, अब बस असी तो जनाब हजूर ना मुहब्बत कर ली सहाबा नाल अहले बैत नाल मौला अली नाल हसन हुसैन थोड़ी जन्नत पक्की है। मैं क्या मेरा पुत्र थोड़ा जहा हाथ उला रख, उलमा ने लिखा कामिल मुहब्बत ए वे बे जिन्हां दे नाल मुहब्बत होवे उहदा जिक्र भी कर ते उहदे किरदार ते अमल भी कर। तू जिक्र वाली गल ते रखी होई है ते मेरा पुत्र किरदार ते अमल क्या करना मैनू दस ते सही ना, चलदिया फिरदिया भी ते पता लगे ना ये बंदा नबी पाक दा गुलाम है। औखियां गल्लां आ गईयां ते सुभान अल्लाह गई, साडा हक बनता है असी अपने किरदार तो वादे करिए। उलमा दे ने ये नाकिस मुहब्बत है कि सिर्फ नारे लाई रखना, सिर्फ नारे नहीं किरदार दी सूरत दे विच भी अगे आ, और अपने किरदार तो साबित करके मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम हाँ, और फिर अपने किरदार दे नाल साबित करके मैं सहाबा दा भी गुलाम हाँ, अपने किरदार दे नाल साबित कर के मैं लजपाल अहले बैत दा जिहड़ा घराना है मैं उन्हां दा भी गुलाम हाँ। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप, और या कामिलीन अगर पढ़ दियो तो उन्हां दी कामिल गुलामी दे विच आओ मेरे भाई। अजीजा ने गिरामी कदर असा सिर्फ नारियां दी हद तक गल रखी हुई है, और बस औकात ना साडे स्टेजा तो गैर संजीदा आवाज आती है, और बस औकात अशार की सूरत जो बस औकात तर की सूरत चुंदी है, और बस औकात कई पीरां ने तरीकत, उन्होंने पीरां ने तरीकत कहना नहीं चाहिए चूंकि वह पीरी मुरीदी का लिबास गत्ती बैठे होंगे ने, होंगे पीरे ट्रैक्टर से रह बरे थ्रैशर ने, उन्होंने क्या पता शरीयत का क्या असूल है क्या जब्ता है। मेरे मुरीद हो जा मैं तुम्हें जन्नत ले जा सकता, पत्नी तो यहां आप भी बजना कि नहीं गोलिया